झारखंड के कुछ इलाकों में भूकंप के आए झटके जानमाल का नुकसान नहीं। सोमवार की रात करीब 9 बजे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी रांची समेत संताल परगना का इलाका साहिबगंज में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कहीं से कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार की रात करीब 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हल्के झटके होने के कारण कई लोगों को इसका एहसास तक नहीं हुआ। वहीं कई लोगों को भूकंप आने की एहसास होने अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बिहार बंगाल समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बात। बिहार पश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न राज्यों में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप सिक्किम नेपाल बॉर्डर के पास से आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 8:49 पर आए। इस भूकंप की तीव्रता 5.4 है। असम झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान लोगों के चेहरे पर भी डर को देखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में जायजा ले रहे हैं। सरकार के सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने बिहार, असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात कर ली है। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप का बहुत ही कम असर देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि बिहार के सीमांचल के इलाके में इसकी तीव्रता थोड़ी ज़्यादा महसूस हुई। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिलों में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल गए। उधर भागलपुर से सटे झारखंड के साहिबगंज जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुपौल, कटिहार, मधुपुर, पूर्णिया, मुंगेर, बांका, लखीसराय और भागलपुर में धरती हिलने की जानकारी है।